बढ़िया भैया, नमस्कार आप लोगों के। सब बढ़िया भैया। हम अपने भोजपुरिया दर्शक भैया लोगों के भी हाथ जोड़ के प्रणाम करता टी, अपने बढ़न भैया लोगों के गोड़ थोड़ता टी। हम एक भोजपुरी फिल्म बनौनी है जोने के नाम अनाड़ी ऑटो वाला बा। बहुत दिन से एक सोच रहा भोजपुरी में कुछ ऐसा फिल्म बनावल जा कि जौन अपने माटी के महक के लेके आवे। भोजपुरी फिल्म तो बहुत सारी बनती है टेन, लेकिन हमारे भोजपुरी शब्द के जौन मिठास है ओके छोड़ के लोग बनावता टे। बहुत सारा बलगरता फिल्म में डालल जात बा, कुछ भी उठा के डाल दिया जाता अपने आप के फेमस करे कर दिन कि हमारा नाम होकर हम बहुत सारा पैसा कमाए। लेकिन ठीक है, पैसा तो सबको ही कमाया बा, हमहूँ कमाए जाता आप सब लोग कमाए जाता नहीं, लेकिन जौन भोजपुरी के मिठास होला ओके हमें फिल्म में दिखावल चाहता टे कि जौन भोजपुरी के लोग जनता चाहत या आज के 20 साल पहले जौन भोजपुरी में फिल्म आवत रहा लेन। आज भी भोजपुरी दर्शक जो फिल्म देखे जाला वो भोजपुरी के महक के ही देख के जाना कि भोजपुरी के मिठास हमके मिली ओमे, लेकिन गईले के बाद हॉल में या तो यूट्यूब चैनल पर या टीवी पर उस चीज़ लोगों की नज़र ना आया वाला, बहुत दुखी लोग होला हम। हाँ, ये भोजपुरी फिल्म हमार पहली फिल्म है, एक पहले भी हम एक दो फिल्म कैले रहनी, लेकिन शायद वो फिल्म पर भी पर्दा बनाया पहले है, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से ये फिल्म पर्दा पर बहुत जल्द आने वाली बा। और लेके बहुत सारा तैयारी हम हमारे डायरेक्टर साहब के भी रहा लेके और हमारे भी रहा कि भोजपुरी में ऐसा एक फिल्म बनावल जाए जौन बलगरता एकदम न होकर भोजपुरी के मिठास में मिले, जौन भोजपुरी के लोग खोजत बाट है वो चीज़ बा है फिल्म में। आप लोग हॉल तक जाएँ देख के देखें कि बहुत जल्दी आपके नवरात्र में एक भोजपुरी अनाड़ी ऑटो वाले के ट्रेलर हम लोग रिलीज कर जात बा, और बहुत ही अच्छा अच्छा गाना भी में डालल गए बा जौन आप लोग उनकी पसंद आए। ये फिल्म में हमारे साथ लीड में बाटिन अंजलि बनर्जी जी, अंजना सिंह जी से आइटम सॉन्ग करावल गेल बा, संजय पांडे जी, अय्याज खान, संजय महानंदा गोधन जी बाटे। डायरेक्टर हमारे मित्र हमारे बहुत प्रिय मित्र जेम्स पार्कर जी, जौन बहुत अच्छी सोच लेके फिल्म के उतरल बाटे आप लोगों के बीच में, और पूरा उम्मीद हमके बा कि आप लोगों के फिल्म बहुत ही पसंद आई। ये फिल्म एक सोच, सबसे बड़ी बात कि भोजपुरी में जौन एक अच्छी सोच होके चाहिए हमारे भोजपुरी, लेकिन नाम तो भोजपुरी सबको ही देला भोजपुरी फिल्म बना देने, भोजपुरी वो चीज़ होला ना जौन चीज़ भोजपुरी में होके के चाहिए। तो हमारे डायरेक्टर के अंदर जौन सोच भोजपुरी के लेके बा कि भोजपुरी एकदम भोजपुरी के ही तरह होके के चाहिए, उसमें कुछ भी ऐसा ना होके के चाहिए कि जौन अपने माता बहन के साथे बैठ के ना देख सकी, वो चीज़ फिल्म में हमारे डायरेक्टर के सोच के हिसाब से पूरा पूरा दर्शा दिया गया बा। और हाँ, एक नाम तो बा अनाड़ी ऑटो वाला, लेकिन है अनाड़ी ऑटो वाला ना, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा तो हम लोग यही उठौले बाटे कि आदमी अनाड़ी सिर्फ पैसा के कारण होला, अगर आपके पास पैसा दौलत ना होगा तो आपके सब केहू कोई पूछे वाला आपके ना बा, ऐसे एकदम आदमी अनाड़ी हो जाला, लेकिन अगर ओकरे पास पैसा आ जाला तो वो पूरा पावरफुल हो जाला, ओकरे पास शिक्षा भी आ जाले, लोगन के बीच के पकड़ भी आ जाला, सब कुछ आ जाला। ऐसे हम के फिल्म के नाम अनाड़ी ऑटो वाला रखले बाटे, ऑटो वालन के जीवन पर आधारित फिल्म बा। एक आदमी अपने परिस्थिति से ऑटो चलावा था, ऑटो चला के आगे बढ़ल चाहता, लेकिन लोग बढ़े ना देता, कहीं भी ऑटो खड़ा कर देता पुलिस वाले परेशान करता, तो बड़ा आदमी अपन गाड़ी लेके जाता तो ओके धक्का मार देता, फिर उल्टा वही ऑटो वाले के गाड़ी देवे लगा था। तो सब कुछ यानी कि जौन कुछ है पावरफुल पैसा है, तो सब कुछ ध्यान में रख के ही बनावल गए बा। कि फिल्म का शूटिंग हमारे पूरा यूपी में ही भइल बा, ज़्यादा करके फिल्म हमारे यूपी में 70% तो यूपी के आजमगढ़ में शूट भइल बा, गोरखपुर, आजमगढ़, देवरिया, बस्ती मिला करके ही पूरा फिल्म के हम लोग पूरा कर दिले बाटे। और हमरे हिसाब से तो सब कुछ साफ सुथरा, मतलब कहीं कुछ ऐसा तो ना ही लगता, हर आदमी सोच के बना वाला कि हाँ कहीं कुछ गलत ना हो कर, और बाकी तो ऑडियंस के ऊपर बाप का पर फैसला करें। और फिल्म तो चुनाव के कारण शायद फिल्म के रुकल बा, और मई लास्ट में रिलीजिंग का विचार बनावल गए बा, लेकिन ट्रेलर तो आप लोगों के सामने बहुत जल्द ये नवरात्र में ही शुरू हो गया था ट्रेलर का रिलीजिंग बा। फिल्म की एडिटिंग मुंबई में ही हमारे बड़े भाई या फिल्म का को प्रोड्यूसर के रूप में हमारे अभिषेक भैया जान की गोरखपुर से ही बानी, उन्हीं के हाथ में सब कुछ पूरी फिल्म ही बा। आज अब खुद बड़ा भाई है तो मैं कहा कहल जा कि फिल्म ही उन्हीं का है। हाँ, तो है पूरा डांस वंस सब कुछ सही है, बट अभी सारा फोकस हमें कि एक साफ सुथरी फिल्म के लेके, आगे डांस या फिर फिल्म के बारे में और कुछ कहती तो अब तो
ऑडियंस या जनता के ऊपर ही निर्भर बा कि कहाँ तक हमके ले जाए, का हमके सीख मिली, का हमके बताई लोग कि कहाँ कैसे का करे बा हमके, तो सब कुछ तो यही लोग के ऊपर बा, जनता जनार्दन के ऊपर। ये क्षेत्र में हमार गुरु तो खुद हमार डायरेक्टर जेम्स पार्कर जी हैं, हमके लाइन में लाए वाला। और सोच तो हमार हमेशा देखिए कि भैया हमारे एक सोच बहुत पहले से रहा, जब भी हम अपने घर में या तो कहीं भी रिश्तेदारी में जात रहें तो सब यह कहे कि जब भी कभी भोजपुरी गाना चले तो लोग कहे अरे भैया भोजपुरी गाना ना चला, यहाँ परिवार रहा ला। तो ये चीज़ के हमके बहुत दुख होकर तो ऐसे एक सोच बना लेने, कुछ ऐसा फिल्म बना ले, कुछ ऐसा गाना ऐसी कह जाए कि जोने से लोग। यही हमारे फिल्म के डायरेक्टर जेम्स पार्कर जी हमारे भाई, हमारे मित्र, हमारे जान हैं, और इन्हीं के मार्गदर्शन में ही फिल्म के हम बनौले बाटे। सबसे पहले तो भोजपुरी दर्शक को मेरा प्रणाम जी। ऑटो में तेल है इतना तेल बा कि हमें लगा था कि हमारे भोजपुरी समाज के लोग बहुत दूर तक ऐसे बैठ के लगा था गोरखपुर से मुंबई तक के सफर है ऑटो में ही कर ली है, इतना तेल पड़ल हुआ। फिल्म का कॉन्सेप्ट जो बनाया हूँ भोजपुरी से थोड़ा हटके किया हूँ, शायद भोजपुरी के दर्शक को ये चीज़ें ना समझ में आए, क्योंकि मेरी सोच थी बहुत पहले से कि मैं जो भी फिल्म भोजपुरी में बनाऊँ वो बिल्कुल साफ़ सुथरी बनाऊँ और ऐसी फिल्म बनाऊँ जो घर के परिवार के लोग, माताएं बहनें बैठ के एक साथ पूरी फिल्म को देख सकें, जो भोजपुरी से हटके है। और मेरी टोटल फिल्म एक्शन मूवी है। हीरो को चयन मैंने किया, जो बहुत सारे लोगों से मैंने मिला इस लाइन में, मैंने बहुत स्ट्रगल भी किया फिल्म को लेकर, और काफ़ी मेरी सोच थी कि मुझे कहीं प्लेटफॉर्म मिले, मुझे कोई रास्ता दिखा दे, कोई ऐसा प्रोड्यूसर मिल जाए जो फिल्म को प्रोड्यूस करे और मेरी सोच जैसी फिल्म बना दे। बहुत सारे लोगों से मिला तो उनकी सोच सिर्फ वही थी, भोजपुरी में जो लोग दिखा रहे हैं वही दिखाना चाहते हैं। एक ऐसे मेरे मित्र, बड़े भाई मिले जो मुझे इस फिल्म लाइन में सपोर्ट किए और इनकी सोच से मेरी सोच मैच की, इन्होंने ऐसा प्रोड्यूस करवाया और फिल्म को लेकर के हम लोगों ने बनाया, जिसे हमने अपने सपने को साकार किया। और इसके हमारे एक मित्र हैं, हमारे गुरु जी, जिनका नाम है अजीत शुक्ला जी, जिनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनकी वजह से आज मैं फिल्म लाइन में ये फिल्म स्टार्ट किया हूं, जो हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। और फिल्म में तो सब लोग स्टार कास्ट ही हैं, मधुकर भैया का म्यूजिक है, गीत दिए हैं संदीप साजन, ओम पुरी और संजय भैया इसमें मेन विलन का काम किए हैं, बेटे का कैरेक्टर अयाज खान किए हैं, माँ का रोल किरण यादव जी किए हैं, सुनील दत्त पांडे हैं, और लीड हीरोइन में अंजलि बनर्जी हैं, आइटम सॉन्ग की हैं अंजना जी, और गोधन में संजय महानंदा किए हैं। अच्छा लगा, अच्छा देख के ही, अच्छा लगने की वजह से ही मैंने उनको कास्ट किया आइटम सॉन्ग को लेकर के, और इनका काफ़ी फिल्में देख के मुझे अच्छा लगा कि आइटम सॉन्ग कराने से हो सकता है पब्लिक को काफ़ी अच्छा लगेगा। और अंजना सिंह के बारे में तो यही कहना चाहूँगा, जो भी फिल्में बनी हैं, जो भी हुई हैं आज तक, मुझे बहुत अच्छा लगा उनकी फिल्मों को देख करके, चाहे आज तक जो भी फिल्में आई हैं, इन सारी चीज़ों को देख के मुझे अच्छा लगा, जिससे मैंने उनको फिल्म दर्शक, अभी तो चुनाव की वजह से हो सकता है रोकना पड़े, मई के लास्ट वीक तक फिल्म रिलीज होगी और नवरात्रि के शुभ अवसर पे हम लोग ट्रेलर को रिलीज कर रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और हमारी वीडियोस मिस ना करने के लिए दबाइए इस बेल आइकन को।